उमेश बेटा कैन यू गो ऑन म्यूट। ऑसम। तो आज का हम यस उमेश, तो दिस इज अवर सेकेंड चैप्टर रैशनल नंबर्स। इसमें वी विल बी लर्निंग अबाउट नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, होल नंबर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, और रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, एंड एक प्रॉपर्टी सीखेंगे जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। आज सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो होगा इस क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, बट इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्निंग अबाउट मोर एक्सक्लूसिवली अबाउट दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो डिरेक्टली मूविंग टू कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आई नो कि यू गाइस नो कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। यू माइट हैव लर्नड अबाउट कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सो इफ एनी वन कैन टेल मी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। सर कैन आई? हाँ यस सर, दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, दैट इज लाइक okay then let's start from one. okay great Aisha, anything else you want to add? No sir. No, no. So isme kuch samjhane ki koi zarurat nahi hai, I guess. So natural numbers starts from one aur infinity tak jata hai, aur set of natural numbers, jo natural numbers hote hain, jo set hote hain, unko hum n likhte hain, that is represented by n. theek hai, aise n karke likhte hain. So, ऐसे अगर मैंने आपको बोला कि रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स, तो आप ऐसे लिखोगे, इसको हम सेट बोलते हैं, सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो अगर आपको लिखना बोले कोई कि नेचुरल नंबर्स का आप एग्जाम्पल दो, तो 1 2 3 4 टिल जितना तक होता है पूरा। ठीक है, यस, राइट साइड नंबर्स गोस एंड इट्स इनफिनिट, पूरा इनफाइनाइट है, कहीं पे रुकता नहीं है, राइट। अगर किसी ने आपको पूछा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, दैट इज वन। ठीक है, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकता क्योंकि इनफाइनाइट है, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स है, सो यू कांट से कि ये सबसे बड़ा है, सो देयरफॉर देयर इज नो फिक्स लार्जर नंबर। ठीक है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड कीप इट एज योर नोट्स। ठीक है, डन सर। ऑसम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू कि नेचुरल नंबर्स किस काम में आता है। नेचुरल नंबर्स किस काम में आता है, फ्रॉम द पिक्चर्स व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट। सर कैन आई, वी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 लाइक दैट? नो, वी काउंटिंग देम। यस, वी यूज नेचुरल नंबर्स टू काउंट किसी भी चीज को। अगर आप काउंट करना चाहो तो वी स्टार्ट फ्रॉम 1 2, आगे जाके जितना भी बढ़ता है, सो यू स्टार्ट फ्रॉम 1, सो यू काउंट यूजिंग नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंट करना, एनिमल्स, पैसे, इवन लीटर्स ऑफ मिल्क काउंट करना, कितने डजन एग्स, सो आप सभी में नेचुरल नंबर्स यूज करते हो। ऑसम। सर नेक्स्ट मूविंग टू कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट बास्केट में कितने मैंगो से, आप मुझे बता सकते हो? मैं पूछूंगा हुस्ना से। फोर, राइट। सेकेंड में महक, टू, राइट। एंड चंद्रशेखर लास्ट में कितने मैंग, कितने सारे फ्रूट्स है लास्ट बास्केट में? फोर। लास्ट में, ये वाले में, लास्ट में, ओ दैट, यस, जीरो, जीरो। चंद्रशेखर, इज दैट राइट? चंद्रू, हेलो चंद्रशेखर, प्लीज कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी। सर आई एम, हरीफ, आयान, हाँ जी बोलो। सिक्स। लास्ट में, लास्ट वाले बास्केट में कितने फ्रूट्स हैं? ये वाले बास्केट। सिक्स। सिक्स। जी। आपको फ्रूट दिख रहा है यहाँ पे? फ्रूट मतलब फल कितने दिख रहे हैं? कोई फल है वहाँ पे? नो। नो, राइट? नहीं है सर। एग्जैक्टली। सो अभी इसको आप काउंट कर सकते हो? अगर कुछ नहीं हुआ तो आप काउंट कर सकते हो उसको? कैन यू काउंट इट? नो सर। नो सर। सो इसीलिए एक नया तरीका का नंबर आया, दैट इज व्हिच वी कॉल होल नंबर। ठीक है, अब तक हम नेचुरल नंबर सीख रहे थे जो हम काउंट कर सकते हैं, बट जब जीरो कुछ रहता है, मतलब कुछ नहीं रहता है, तो हम उस
मतलब हमने सीखा नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, बट उससे पहले जीरो आता है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो नो। यस यस, सो उसी लिए हमने ये होल नंबर का कॉन्सेप्ट लाया जहां पे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहता है, ठीक है। सो ये सेट ऑफ होल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू लेके, वी राइट इट एज डब्लू। होल नंबर्स को हम डब्लू लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और टिल जैसे नेचुरल नंबर बढ़ता जाता है ये भी बढ़ता जाता है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या अलग है, इसमें सिर्फ जीरो ऐड होता है, इसमें सिर्फ जीरो ऐड है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे नेचुरल नंबर्स में स्मॉलेस्ट होल नेचुरल नंबर था वन, यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। एंड क्योंकि बहुत मतलब कोई अंत नहीं है होल नंबर्स का, कि लास्ट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि कौन सा सबसे ये सबसे बड़ा होल नंबर है, वो भी हम कोई फिक्स नहीं है जैसे नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू कि आप अगर देखो यहाँ पे कि होल नंबर इज नेचुरल नंबर प्लस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसे ब्रैकेट किया तो यहाँ पे 1 to 6 या 1 to eternity पूरा नेचुरल नंबर है, बट होल नंबर में सिर्फ एक जीरो ऐड होता है, एक एक एक्स्ट्रा नंबर है वो है जीरो। सर, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर ही है। नेचुरल नंबर बिटवीन जीरो एंड लेफ्ट साइड होल नंबर। यस, ऊपर वाले में अगर देखो तो ये होल नंबर्स है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, बट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये अगर देखो तो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स है अगर no. देखा जाए तो। यस सर, इज दैट राइट, एम आई गेटिंग यू? या, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं दे आर एक्चुअली होल नंबर्स। नो, व्हाई? क्योंकि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम वन, नो कांट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, बट होल नंबर में मतलब नेचुरल नंबर कम्स फ्रॉम होल नंबर ओनली सर। Yes, because no, if there is no value of zero, उसमें नहीं जाएंगे वैल्यू में, but I am asking कि one को आप क्या बताओगे? One is a natural number or a whole number? Natural. But whole number में भी तो आता है वो. Yeah. Then. So what we can call them? So that is why I am saying कि natural numbers, whole numbers का अंदर both natural and whole number. Yes, both natural number and whole number. इसलिए हम बोलते हैं कि whole, क्योंकि whole number में सिर्फ extra zero है, इसलिए हम बोलते हैं कि natural number whole number के एक part है। इसलिए हम बोलते हैं कि all natural numbers जो है those are whole numbers. अगर यहाँ पे अगर आप पिक्चर देख सकते हो तो नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर ही आता है, वन से शुरू करके आगे तक, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा एक जीरो है, ठीक है। समझ में आया? आई होप सो। यस सर। ठीक है, सो नाउ मुझे ये सॉल्व करके मुझे चैट में लिख के भेजो कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे, बहुत इजी है, आंसर्स क्या क्या होंगे मुझे बताओ। Like this addition and subtraction, yeah, no. That's it. Yes. So easy, so. Okay, very good, Ayan. बहुत सही, ओके आयशा, वेरी गुड। सेकंड वन सर, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। 5 minus 7 किसमें कंफ्यूजन है? -2, 5 minus 7 is -2 only, no? यस।
Correct, sir? Yes. Okay, sir. Okay, and उसमें साइन का कुछ गलत है कि नहीं आप चेक करो. कौन सा वाला सबसे बड़ा है? Which is the bigger one? Okay, Ayan right. Third one is right. Very good. Ayesha and Ayan, I have question for you. आपके लिए question है मेरा कि यहाँ पे 5 बड़ा है या 7 बड़ा है? Second वाले में. 7. 7 बड़ा है, but उससे सामने क्या है? उसके सामने एक minus है ना? Minus. Yes. Minus है. तो अगर आप, for example, आपके पास 5 रुपए है और आपको अपने दोस्त को 7 रुपए देना है, तो आप क्या करोगे? आप किसी से उधार मांगोगे? आप किसी से उधार मांगोगे तो आप उसका उसके उससे 2 रुपए लोन लोगे, तो आपका बैलेंस कितना हुआ? 5. माइनस 2 ना, मतलब आपके पास माइनस, उसको 2 रुपए आपको देना है. 7. अच्छा, आपके पास थैंक यू, वेरी नाइस, परफेक्ट. सो ये कॉन्सेप्ट एक बार जान लो कि अगर सामने यहाँ पे माइनस है तो मुझे माइनस 7 से प्लस 5 ऐड करना है. ठीक है, सो मैं आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ. मुझे लगा था ये ठीक है, ये 12 है, ये होगा माइनस 2 क्योंकि माइनस 7 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना. यस, 7 पीछे है. 4 + 9 = 13. इजी. 4 - 9 - 5. वेरी गुड, ऑसम. नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज, तो यहाँ पे ये क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर है ये? 5 + 7. 5 इज अ नेचुरल नंबर और होल नंबर? Natural. You can take it as a natural number. Very good. ठीक है, चलेगा. Natural number. 7. Natural. Whole number. Natural or whole. दोनों ही चलेगा यार. Natural. Whole भी है, natural भी है. ठीक है. 12 क्या है? Natural. Same. But also natural and whole. Natural. Right. Awesome. Now moving to the second one. तो यहाँ पे आप दे सकते हो, तो होल नंबर से मतलब होल नंबर और होल नंबर आप प्लस करो तो आपको एक होल नंबर ही मिलता है, राइट? हाँ. तो 5 एक, अगर मैंने मान लिया कि 5 होल नंबर है, 7 होल नंबर है, 12 भी होल नंबर है, तो आंसर सारे होल नंबर्स में ही आते हैं ना. यस. सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, या नेचुरल नंबर अगर मान लो, नेचुरल नंबर 5 है, 7 भी नेचुरल नंबर है, आंसर भी 12 आया जो नेचुरल नंबर है. ठीक है, सो इट्स गुड, चलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. यहाँ पे 5 होल नंबर या नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम? होल नंबर. ठीक है, होल नंबर लेते हैं. 7 नेचुरल. नेचुरल होल नंबर ले रहे हो तो होल नंबर लो ना. होल नंबर ले. बट माइनस टू क्या होल या नेचुरल नंबर्स में आते हैं? होल नंबर नो सर, कुछ और ही है ना. तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेचुरल. ये 4 को हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं, राइट? 9 को हम भी नेचुरल नंबर्स लेते हैं, एंड 13 को भी हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे नेचुरल नंबर प्लस करके हमको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, राइट? नाउ मूविंग टू द सेम, यहाँ पे 4 नेचुरल नंबर है, 9 भी नेचुरल नंबर है, बट माइनस 5 क्या नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? नो सर, कुछ और ही है, है ना? आई थिंक होल नंबर सर. माइनस 5 इज अ होल नंबर? नो सर, इंटीजर. Even come to integers, but ये कुछ और ही चीज है. होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, कुछ और ही चीज है. सो ये जो चीज है
ये जो हमने अभी किया इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसके बारे में हम और भी जानेंगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी चीज को कोई भी ऑपरेशन में यूज करते हो, ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन डिविजन, फॉर एग्जाम्पल होल नंबर के साथ होल नंबर अगर आप प्लस किया, अगर आपको होल नंबर आया तो हम बोलते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी मानता है, ठीक है। अगर माइनस के बाद भी होल नंबर के बाद होल नंबर माइनस करके होल नंबर आता है तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे ना नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, हाँ उमेश आसमा कैन यू रीड दिस फॉर मी, क्लोजर प्रॉपर्टी का। महक हैज रेज्ड हर हैंड, ओके महक कैन यू रीड दिस फॉर मी। ओके क्लोजर प्रॉपर्टी, a set of numbers is said to be closed under a mathematical operation if the result obtained on the operation on any two numbers in the set is also a member of the set. Okay samajh mein aaya sir? I have a doubt. Samajh mein aaya nahi aaya? Sir, I have doubt in this. Sir, you explain once again because I left. Okay, I will explain this once more. Closure property, I have not explained abhi tak nahi kiya, but I will explain. ठीक है, बोलो क्या doubt है आयशा? Sir, here we can minus no, so we write the minus 2. But in this plus no, why should we not write plus 12? ये plus हम लोग मान ही लेते हैं ना कि वो positive ही है. अगर सामने कोई sign नहीं है, वो positive ही है. मान लेते हैं. Yeah, but we have written no minus 2. हाँ, because अगर यहाँ पे minus नहीं लिखता तो वो positive ही होता ना. ये normal जब आप number लेते हो कोई भी 5, वो क्या आप क्या लेते हो, positive लेते हो या negative लेते हो? Which number? Normal positive, right? You take negative. Yeah, no sir, positive. Because we're minusing no, subtracting. मतलब कोई भी नंबर 5 रुपए अगर आप ले लो तो वो क्या पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव. तो वी कंसीडर कि अगर नंबर के सामने कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव ही है, बट व्हेन वी हैव टू से कि वो नेगेटिव है देन वी ऐड माइनस, ठीक है, नीदर पॉजिटिव, वी कंसीडर इट पॉजिटिव। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है, एक नंबर को हम बोलते हैं क्लोज्ड और सेट ऑफ नंबर, मतलब सेट ऑफ नंबर फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स ले लो, होल नंबर्स ले लो, इंटीजर्स ले लो, इसको हम सेट ऑफ नंबर्स बोलते हैं। सो ये नंबर्स क्लोज माना जाता है अंडर अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन। तो एक क्लोज्ड मतलब इन द सेंस कि उस ऑपरेशन करने के बाद अगर आप एडिशन करो फॉर एग्जांपल कोई भी सेट ऑफ नंबर्स का और रिजल्ट में अगर वही सेट ऑफ नंबर आपको मिला तो वो हम बोलते हैं कि हाँ वो क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिशन करने के बाद होल नंबर्स को हम एडिशन करने के बाद हमको होल नंबर मिला, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। इट फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी व्हेन वी ऐड द होल नंबर्स, बट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन होल नंबर्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। पक्का? या फिर से मैं समझा करता हूँ या नेक्स्ट इसमें हम और भी प्रैक्टिस करेंगे तो साहिल खान 2, ठीक है। आउट ऑफ 1 to 5 कितना समझ में आया? 1 कुछ समझ में नहीं आया सर, 5 समझ में आया सर, मुझे 3 या 4 3 या 4, ओके।
Sahil is sending 2-2. Okay. I'm going to explain once more time. कोई भी सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, सेट ऑफ नंबर को हम बोलते हैं क्लोज्ड अंडर अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. अगर दो दो नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर्स को हमने कोई ऑपरेशन में डाला, ऑपरेशन इन द सेंस एडिशन में डाला, और रिजल्ट जो आया वो अगर सेम सेट ऑफ नंबर्स हुआ तो वो हम बोलते हैं कि ऑपरेशन में वो फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 5 होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, और आंसर माइनस, और माइनस 2 इज इंटीजर. नो यस, माइनस 2 इज इंटीजर, दैट्स व्हाई वी से कि ये क्लोज नहीं है सब्सट्रैक्शन में. सब्सट्रैक्शन में ये माय क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है. ठीक है, लाइक दिस इज गुड दैट इज बैड, या सिंपल. ठीक है, ये हम प्रैक्टिस करेंगे और इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे माइनस आ गया है ना, तो इस हमको इसके इससे पता चला कि सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में हम रुकते नहीं है, और भी बहुत बड़ा है नंबर्स का लाइन, नंबर लाइन जो है और भी खींचता जाता है, और भी बहुत सारे उसके ब्रांचेस हैं. ठीक है, सो फॉर दैट वी एक्सपेंडेड आवर सेट ऑफ नंबर्स टू लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स व्हिच इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. सर हाँ जी अरफत बोलो. आई डोंट हैव चार्ज सर. हाँ मत डालो, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, मैं कुछ नहीं बोलू. Sir, I also don't have charge. Jaldi se complete karte hai na dost. Current is gone, sir. My current is also gone. Continue, sir. Till when my till phone switch off, I will be there here only. ठीक है, perfect. Okay. So now we will come, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे minus आ जा रहा है, तो we actually expanded our set of numbers. हमने हमारा नॉलेज बढ़े करने के लिए हमने और भी नंबर्स इंक्लूड किया नंबर लाइन में, उसमें जो आता है नेगेटिव नंबर्स आता है और पॉजिटिव नंबर्स जिसमें आता है. सो विद दैट वी कम टू द इंटीजर्स पार्ट. ठीक है, तो इंटीजर्स आपको ऑलरेडी पता है इंटीजर्स क्या होता है. इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव एंड द पॉजिटिव नंबर्स. अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट करते हो तो जीरो के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ के नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं. यहाँ पे इंटीजर्स होगा, मैंने लिखना भूल गया सर. रिप्रेजेंटेड बाय रेड मींस रिप्रेजेंटेड, मतलब अगर इंटीजर्स आपने लिखना चाहो एक वर्ड एक लेटर में, वो जेड लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं. जेड लाइक माइनस? नो, जेड सिर्फ जेड. जैसे नेचुरल नंबर्स को हम एन लिखते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू लिखते हैं, इंटीजर्स को हम जेड लिखते हैं. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आप बताओ कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे कि ऐसे सेम लाइक दिस ओनली 432 माइनस और आओ आई गॉट इट सेम 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 लाइक द अदर्स. वहां पे जीरो से था, होल नंबर्स में जीरो में था, बट यहां पे क्योंकि इसके इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इसके इस तरफ भी इनफाइनाइट है, दैट इज इक्वल टू लाइक जीरो पुट मिडिल एंड -1 -2 देन इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड क्योंकि यहाँ पे कोई इनफाइनाइट, और क्योंकि ये इनफाइनाइट है, जैसे नेचुरल नंबर्स भी पॉजिटिव में इनफाइनाइट है, सिमिलरली इंटीजर्स में भी नेगेटिव में भी इनफाइनाइट है, तो इसलिए इसका कोई स्मॉलर वैल्यू भी नहीं है, लार्जर वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट है, कहीं तक भी जा सकता है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है, तो इसलिए नो लार्जर लार्जेस्ट नंबर, नो स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप चाहो तो. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके ओके, सो हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, राइट. तो अगर मैं ऐसे पिक्चर्स में आपको दिखाऊं, तो इंटीजर्स ये माना जाता है कि जीरो बीच में आता है, उसके इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स, उसके इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. और यहाँ पे छोटू सा पार्ट में होल नंबर्स आता है, जहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे लेके आगे तक जाता है, और उसके अंदर आता है
natural numbers which starts from 1 and move to infinity. ठीक है, so like sir, there is one zero. Small zero, then big zero come whole number. Small zero, big zero, कहाँ पे? Here. Sir, first I show you one minute. First is this like come no. Here natural numbers come. Then here whole numbers. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. Yes 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 yes. That I wanted to show you, but I didn't want to confuse you guys. So circle vital dikha ke isliye I did not show it like that. Dislike, sir. I know. Yes, yes. That is right. ऐसे मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वन से शुरू होता है नेचुरल नंबर्स, जब भी हम जीरो इंक्लूड करते हैं वो होल नंबर्स होता है, और जब भी हम नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं देन इट बिकम्स पूरा इंटीजर्स का पार्ट. ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स प्लस होल नंबर्स इक्वल टू इंटीजर्स. ठीक है, होल नंबर्स में तो जीरो आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी चले जाते हैं, कवर हो जाता है. उसके अलावा नेगेटिव इंटीजर्स जब हम इंक्लूड करते हैं वो फिर इंटीजर्स बोल सकते हैं हम उनको. कैन इट कैन एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? मे बी सर, वी कैन टेल देम. ओके ठीक है, तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स इक्वल टू इंटीजर्स, क्योंकि हमको पता है कि होल नंबर्स का मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर, होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, होल नंबर्स इक्वल टू जीरो प्लस नेचुरल नंबर. ये देखो ना, यहाँ पे जीरो है, वन से शुरू होता है एंड इट मूव्स टिल इटर्निटी. That is natural numbers. Yeah. When you include that zero, it becomes whole numbers. Okay? And this whole, these numbers are positive natural integers, positive numbers. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. And with this, when we minus 1, minus 2, like this, add karte jate hain, it becomes an integer. No. Yeah. No, sir. My bad. Why do you think? No. That is not because negative numbers. मैं प्लस मतलब प्लस एडिशन नहीं मान बोल रहा हूँ. आई एम टेकिंग आई एम टेलिंग यू कि मान लो अब सारे इकट्ठे ले लो, अगर इकट्ठे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि प्लस करो उनको. ठीक है, मैं कैन यू टेल मी कि आपने क्यों सोचा कि आपको नहीं लगता है ऐसा? मे बी आई विल बी एबल टू show you. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे ये भी तो समझ नहीं. आप लोग इतना चुपचाप रहते हो. I am answering no. I'm understanding. Me and Mike only. No one is telling anything. Asma is suffering from problem. Arfat. Arfat won't unmute. What happened? Nothing is waiting for you. आप लोग समझ रहे हो? Yeah. I will make it fast. ठीक है? So ये mine समझ... also. Okay. ये समझ में आया कि z integers जो होते हैं, we can write it as negative integers plus whole numbers, क्योंकि whole numbers में positive integers plus zero भी आता है. And if we include, if we break down whole numbers, उसमें zero और natural numbers भी आता है. So I can tell कि integers equal to negative integers plus zero plus natural numbers. ठीक है, so हम बोल सकते हैं कि all whole numbers are integers. सारे whole numbers integers होते हैं. अगर आप यहाँ देखो तो yes sir right. And ये भी देखो कि zero is neither positive nor negative. Zero is neither positive nor negative. ठीक है, okay. सो नाउ आपने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा. क्लोजर प्रॉपर्टी आपने देखा कि क्या होता है. अभी मैं चाहता हूं कि आप इंटीजर्स का भी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करो फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन. हाउ सर? यस, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट हाउ राइट नाउ. सो मुझे कोई भी इंटीजर्स दे दो, कोई भी इंटीजर्स बोलो मेरे को. लाइक
5, okay. और एक नंबर दो. 7. वो तो फिर इंटीजर्स हो गया, थोड़ा मिक्स करके दो. माइनस नेगेटिव कितना? माइनस नाइन. ओके, तो इसको मुझे प्लस करना है पहले, ठीक है? आंसर क्या होगा? सो माइनस फोर्टीन. माइनस है ना यहाँ पे? या 5 करना है. हाँ, माइनस एड 1 देन माइनस 10. After that, 14 come minus is there. Minus no, 14. Sir, minus 4 will come because plus minus is equal to minus. Yeah. How? Yeah. Okay, I will show you how. Number lines se main sikhata hun. Sir, can I tell? Because no, in 9 ke place mein, no. Sir, why? My network is slow. Yes, tell. Sir, if there is 9, no. 9, there is minus 9. If there is plus 9, no. We can add both. Because, no, sir, bigger number have which sign, we follow that sign only. Exactly. So, we have to minus 9. So, basically, क्योंकि यहाँ पे अगर आप number line भी देखो, यहाँ पे minus 3 है, और आपको plus 1 करना है. तो, plus 1 करके आपको कितना answer आएगा? -4 +1 आपने ऐड किया तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा? नो, इस तरफ जाएगा ना, प्लस की तरफ जाएगा. इफ आई ऐड देन गोस दैट साइड माइनस. या -2. सिंपल. यहां पे अगर 9 होता, -9 होता, आप चार स्टेप प्लस 5 कर रहे हो, तो आंसर कितना हो? 8 होगा. 8 से 7 होगा, 7 से 6 होगा, ठीक है? -5 होगा और -4 होगा. 5 स्टेप आपने किया अभी, राइट? या अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से बाद में पूछ लेना. ओके, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आवर वॉलंटियर्स आल्सो नाउ, बिकॉज़ नो इन आवर ग्रुप नो वी आर नॉट आस्किंग एनी हेल्प from volunteers. Thinking, yeah. You know what? Sir, we know, already discussed with Rahul sir this. It's what I am thinking. I have to give work to my volunteers. Okay. Quickly, I am going to show you ki how, kaise aap closure property dekh sakte ho iska. Theek hai? Tab koi bhi number le lo. To maine first liya 3 + 5, 8. Answer aata hai, very good. फिर मैंने एक और डिफरेंट नंबर लिया 3 और -5. फिर मैंने प्लस किया, आंसर -2 आता है. और थर्ड टाइम पे मैंने देखा कि -3 और -8 लिया मैंने, और वहां पे -11 आंसर आता है प्लस करने के बाद, राइट? तो मुझे बताओ इसमें 3 इंटीजर है कि नहीं? इज 3 एन इंटीजर और नॉट? यस सर. यस, 5 इज एन इंटीजर. आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. हाँ, बट ये पहले देख लेते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं. फॉर दैट वी आर चेकिंग दिस. 5 इज इंटीजर और नॉट? इंटीजर. यस. 8 इज इंटीजर और नॉट? इंटीजर. राइट, ऑसम. सिमिलरली फॉर द सेकंड वन, 3 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, और आंसर जो आया -2 भी इंटीजर है, राइट? -3 थर्ड में -3 इंटीजर है, -8 भी इंटीजर है, और यहाँ पे आंसर जो आया -11 भी इंटीजर है. सो इंटीजर इंटीजर प्लस करके इंटीजर ही आता है ना? कोई भी नंबर ले लो आप, उसमें सब में सेम इंटीजर्स ही आ रहेगा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. ये क्लोजर प्रॉपर्टी मानता है. और को सर. हाँ जी अरफान, यू कैन लीव. ठीक है, आपका नेट, आपका बैटरी खत्म हो गया इसलिए. ठीक है, एडिशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है. गॉट इट? क्लियर? यस सर. मल्टीप्लिकेशन पे अभी देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर हमने लिया, 2 और 7. ठीक है, 2 × 7 = 14 होता है. वेरी गुड. में हमने लिया 2 और -7,
यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा, माइनस 14 होता है, वेरी गुड. फिर माइनस 2 लिया, माइनस 7 लिया, प्लस 14 होता है, वेरी गुड. और यहाँ पे देखो कि माइनस 2 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 14 भी इंटीजर है. सो इंटीजर इंटीजर मल्टीप्लाई करके इंटीजर दे रहा है. यहाँ पे भी 2 इंटीजर है, माइनस 7 इंटीजर है, दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस 14 दे रहा है, वो भी इंटीजर है, राइट. थर्ड में माइनस 2 इंटीजर है, माइनस 7 इंटीजर है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम 14 दे रहा है, इंटीजर है. सो दिस गिव्स अस कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोज्ड है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है. एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन लाइक ऐड, नो सर, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर लाइक व्हाट, लाइक एडिंग. हां, मल्टीप्लीकेशन तो इज रिपीटेड एडिंग ओनली, एंड डिवीजन सेपरेट लाइक डिवाइड. बट मुझे ये बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं? कोई भी नंबर ले लो इंटीजर में, उसको देखो एडिशन करके. तीन केस ले लो, तीन तीन तरह के नंबर्स ले लो और देखो एडिशन करके वो इंटीजर से दे रहा है कि नहीं. सर, कैन वी डू 3 डिजिट ऑफ द एडिशन? हां जी, हैव अ एग्जांपल. ठीक है, अभी सबट्रैक्शन में देखते हैं. सबट्रैक्शन में हमने तीनों तरह के नंबर लिया, 11 लिया, 7 लिया, उसको माइनस करके 4 आया, 7 लिया, माइनस 11 लिया, उसको माइनस करके माइनस 4 आया, 7 लिया, माइनस 11 लिया, उसको माइनस करके माइनस 18 आया. Because sir, see in C1 can I tell, because no, there is two subtractor sign. If we add that to two subtractor sign, we will get plus. That's why you add that, no? Yes. प्लस होगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है. सर, हाउ वी कैन फाइंड इंटीजर्स? इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर ले लो ना, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, माइनस में, पॉजिटिव, प्लस में, है ना. बट अभी हम जाएंगे नेक्स्ट में, डिविजन में. डिविजन में कुछ अलग ही हो रहा है. तो हमने दो इंटीजर्स लिया यहाँ पे, 20 और 5. ठीक है, 20 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, उसका हमने डिवाइड करके 4 आंसर मिला, क्योंकि वो डिवाइड पूरा हो जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा है. बट सेकेंड टाइम पे हमने लिया 20 और 8. अभी 20 और 8 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 20/8 होगा और 5/2 एक फ्रैक्शन में रहेगा वो. तो मुझे ये बताओ, तो ये तो आंसर हो गया. सेकेंड फिर से हम माइनस 20 ले रहे हैं और 7 ले रहे हैं और उसको डिवाइड करके माइनस 20/7 ले रहे हैं. अभी मुझे ये बताओ, ये नंबर्स इंटीजर है क्या? सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन वंस मोर? अब डिवीजन में हमने दो नंबर लिया, डिवीजन में हम देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट केस में हमने 20 और 5 लिया, तो वो पूरा डिवाइड हो गया, दैट गिव्स अस 4 आज. लाइक 4 5 20. यस, 4 5 20, तो आंसर 4 आ गया. सेकेंड में हमने एक और दूसरा 5 के जगह पे कुछ और नंबर लिया, 8 ले लिया. 8 लेने के बाद हमने डिवाइड करके ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है. आपको पता है ना कि ऐसे 5/2 का मतलब एक्चुअली 2 डिवाइडिंग 5 बेसिकली, मतलब इसका डिवाइड हो रहा है, ये आपको पता है ना, आई गेस. यस सर, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन होता है, ये पता है ना आपको? यस, राइट. यहाँ पे ये फ्रैक्शन हो गया 5/2. सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस 20/7, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया. अभी मुझे ये बताओ, ये क्या इंटीजर है? ये क्या इंटीजर के अंदर पड़ता है? Does it fall under integers? Maybe. आप इंटीजर्स बोल सकते हैं? No sir. This is something else. कुछ और ही है. इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटीजर्स होल नंबर होता है ना. Yeah. होल नंबर मतलब एक 20, 1, 5 ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होगा.
तो इसलिए ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है इंटीजर्स। ठीक है, ओके सर, समझ में आया? यस सर, करते हैं। यस सर, थैंक गॉड। नाउ वी विल मूव टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हो जाए खत्म फिर। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू दिस, बट ये जस्ट रिविजन है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। जैसे हम जेड इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम क्यू को ऐसे लिखते हैं, ये पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, जहां पे पी और क्यू बोथ इंटीजर्स होते हैं और जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब पी और क्यू इंटीजर्स होगा, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, और क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, रैशनल नंबर्स वैसे होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसा, 3/5 इज अ रैशनल नंबर, 9/4 इज अ रैशनल नंबर, -11/8 इज अ रैशनल नंबर, 20/6 इज अ रैशनल नंबर, जहां पे p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 5, p इक्वल टू 9, q इक्वल टू 4, p इक्वल टू -11, q इक्वल टू 8, p इक्वल टू 20, q इक्वल टू 6। ठीक है, और आप देख सकते हो कि क्यू कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं है, अगर जीरो होगा कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स है रैशनल नंबर्स के। ठीक है, we cannot do with one. Yes, that I am going to tell you कि क्या रैशनल नंबर्स और क्या हो सकता है। तो आपको मैंने यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट किया है कि हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 ये क्या रैशनल नंबर है? Maybe it will be like 2/6. नहीं नहीं, सिर्फ 2 है वो क्या रैशनल नंबर है कि नहीं? क्यों? Can we add रैशनल नंबर का पी बाई क्यू होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, तो रैशनल नंबर है कि नहीं? So there is no number, no, that's why we can add 1, 2/1. Yes. Normally we write whole numbers as 2/1 ऐसे करके। So this is, and this actually correlates with this thing ना, कि p 2 है, q 1 है, so that actually tells me कि 2 भी rational number है। I was told no. The fractions में आपको पता है ना, whole numbers को आप 2/1, 3/1 वो तो फ्रैक्शन हो गया ना, -22 को आप -22/1 भी लिख सकते हो, ये आपको पता है ना फ्रैक्शंस में। यस सर, कैन ऐड 1। ठीक है, बट हाफ अगर जब लिखोगे वो उल्टा हो जाएगा, 1 में हाफ पार्ट, राइट? ओके, सो यस, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो m बोल के, वो हम m बाई 1 लिख सकते हैं, जहां पे m और 1 आर बोथ इंटीजर्स एंड जहां पे 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो 5 भी हम 5/1 जैसे लिख सकते हैं, -17 भी 7 -17/1 लिख सकते हैं, सो देयरफॉर ऑल द इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो नाउ ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है कि डेसिमल नंबर्स भी क्या रैशनल नंबर्स हो सकता है, 0.2, 0.43, 0.017, ये क्या रैशनल नंबर्स है कि नहीं? नो, दिस इज होल नंबर आई थिंक। अच्छा, 0.2 को मान लेते हैं, ये रैशनल नंबर है कि नहीं? को पता है डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता ही है? या लाइक एलसीएम एचसीएफ। आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? कैन यू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन? यस यस सर, यस वी कैन, बाय रिमूविंग दिस डेसिमल, मल्टीप्लाई। यस, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 0 अबव 2 0। सो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप?
from 0. 10. Decimal को आपको fraction में convert करना है, आप क्या करेंगे इसके? Sir, we can do division, no? Division, ठीक है, हाँ division, ठीक है, but कैसे आता है वो division? ऐसे ही आ जाएगा? We have to do उल्टा. हाँ, तो उसका step होता है बीच में एक, तो आपको यहाँ पे देखना है कि point के बाद कितने place है. In after point, after decimal? 1.8 and we take 10, sir. So we will do it 10. So we need only one more zero to remove this decimal. ठीक है? क्योंकि हमने ये multiply किया, इसके मतलब ये 10 तो ऐसे ही नहीं आ सकता ना. इसका मतलब मुझे divide भी करना होगा उसको, क्योंकि ultimately यहाँ पे divided by 2. ठीक है? So 0.2 into 10 divided by 10. So ये हो जाएगा. तो ये जब ये जीरो कट हो जाएगा तो ये डेसिमल भी हट जाएगा, तो 2/10. तो अभी क्या ये रैशनल नंबर्स का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है? यस, इट फॉलोज दैट पी बाई क्यू ना. यस, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स. यस सर, नॉट इक्वल टू जीरो. सो वी कैन से कि यस, डेसिमल्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स. ठीक है, यस. हमारे टाइम पे क्लास 8 में ये सब नहीं आता था. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी चेक फॉर अदर्स. फॉर 0.43 आल्सो कैन यू चेक कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं. फॉर व्हिच 0.43 रैशनल नंबर सर, कैसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? सर वी विल कितना मल्टीप्लाई करोगे, कितने प्लेसेस हैं जी पॉइंट के बाद? 200 वी विल. यस, वी विल मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 100 कहीं से तो लाया ना, वो तो कट करना होगा ना हमको, क्योंकि ऐसे ही तो निकला ना 100. यहां पे कट करके 1 होगा तो भी तो ऐसा आएगा. तो हमने मान लिया 100 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब डिवाइड भी करना होता है. कोई भी नंबर अगर आप 43 कैन कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर्स. यस, 43/100. यस, आई डिड. वेरी गुड. सो दिस फॉलोज दैट पी बाय क्यू पैटर्न, जहां पे पी इक्वल टू, पी इज इंटीजर 43, क्यू इज एन इंटीजर 100 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ऑसम. So now, what your homework is, तो आपको ये rational number, natural numbers, whole numbers, integers, ये सब कुछ revision मैंने करवा दिया आज. आपको ये भी पता चल गया कि closure property कैसे देखते हैं for different operations. Multiplication के लिए कैसे देखते हैं, addition के लिए कैसे देखते हैं, subtraction के लिए कैसे देखते हैं, और division के लिए कैसे देखते हैं, ये आपको आज मैंने दिखाया. So now, what is your homework is that, कि आपको सबके क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना है कि एडिशन के लिए वो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है नेचुरल नंबर्स. अगर करता है कि आप टिक मारोगे. मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर फॉलो करता है तो आप टिक मारोगे. सब्ट्रैक्शन के लिए करता है तो आप टिक मारोगे. डिवीजन के लिए करता है तो टिक मारोगे. ठीक है, फॉर ऑल दैट, ऑल द नंबर्स वी लर्न टुडे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स, सारे नंबर्स के लिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखोगे इन डिफरेंट ऑपरेशंस. तो आपको पता चला कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करना है. यू विल टेक एनी टू नेचुरल नंबर्स एंड देन एड दैट. आप सिर्फ एक तरह के नंबर्स नहीं लोगे, तीन चार नंबर्स लोगे आप. ठीक है, तीन चार बार आप एडिशन करके देखोगे और देखोगे कि अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर्स है कि नहीं. अगर वो आता है तो देन हाँ ये फॉलो करता है, देन टिक मार्क हियर. ठीक है, ओके सर, समझ में आया? ओके सर, होमवर्क. ओके, इज इट इजी और हार्ड? यस, इट इज इजी सर, मेबी मीडियम. ओके, मीडियम. ठीक है,